हे गाइस, वेलकम टू अवर ऑन टेक्नोलॉजी चैनल। तो आज के हम वीडियो में जानेंगे कि आप अपने कैमरा रोल के अंदर गैलरी के अंदर से ओल्ड फोटो एज ए न्यू स्नैप कैसे भेज सकते हो। गाइस, पहले का तरीका कुछ और था। उससे क्या होता था कि सामने वाले को पता चल जाता था कि ये ओल्ड पिक्चर है, बट वो एज ए न्यू स्नैप ही जाती थी। वो कैसे गाइस, जैसे मैंने कैमरा ऑन किया, सपोज मेरे को कोई ओल्ड फोटो भेजना है, ठीक है, तो पहले क्या प्रोसेस होता था गाइस कि आपको यहाँ पे एक फिल्टर आता था, जिसे आप फोटो सर्च करते थे तो ये फिल्टर आता था, ठीक है। फिल्टर आने के बाद आप जैसे कोई भी एक फोटो चूज कर लेते थे, जैसे ये वाला सपोज फोटो है, इसको जूम आउट किया आपने, राइट किया यहाँ पे, और आप यहाँ पे ये सपोज ये मेरी आईडी है, मैं इस पे रिक्वेस्ट मतलब फोटो सेंड करता हूँ, ये मेरे पास आ चुका है गाइस। तो मैं जैसे ही इसको ओपन करूँगा ये एज ए न्यू स्नैप आए, बट यहाँ पे क्या होता है गाइस, यहाँ पे अक्सर आप सेंड करते हो किसी को तो सामने वाले को ट्राई लेंस, ये देखिए यहाँ पे लेंस का ऑप्शन आता है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि गाइस आप ओल्ड फोटो सेंड कर सकते हो गैलरी के अंदर से, कैमरा रोल के अंदर से, लेकिन सामने वाले को एज ए न्यू ही जाएगा। तो आप सामने वाले को चो बना सकते हो, ठीक है, पूरा नहीं बोल सकता मैं गाइस, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, ये नया प्रोसेस है गाइस, कई लोगों को पता और नहीं होगा, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लेते हैं। ये मैंने स्नैपचैट ओपन किया, ओपन करने के बाद गाइस देखिए, पहले आपको रेंडमली कोई भी एक फोटो ले लेना है। ये फोटो ले लिया, ठीक है, आपने फोटो लेने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, ये वाला, ये देखिए, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा, ये देखिए, ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है येलो कलर वाला, सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपके जितने भी ओल्ड फोटोज़ हैं यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप नीचे 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 जो भी फोटो आपको सेंड करना है किसी को भी, तो आप चूज कर लेना। जैसे सपोज ये वाला फोटो मेरे को सेंड करना है, ये वाला फोटो पे आपने टेप किया, टेप करने के बाद जो भी ये फोटो, इसको जूम कर लेना आप, ये फोटो की क्वालिटी थोड़ी खराब है लेकिन आपके फोन के अंदर अच्छे फोटो होंगे, तो आप जैसे ही इसको जूम कर लोगे और नेक्स्ट पे टेप करोगे नीचे की साइड, ये देखिए, तो आपकी जो भी फ्रेंड लिस्ट है सारी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे मैंने भैया जी को ही फोटो सेंड किया था, तो वापस मैं स्नैप इन्हें ही सेंड करता हूँ, ये मैंने सेंड किया, ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा ये आ चुका है, ठीक है। तो मैं जैसे मैसेज वाले सेक्शन में जाता हूँ और ये फोटो ओपन करता हूँ, ये फोटो ओपन हो गया। और देखिए गाइस, यहाँ पे आपको दिख गया होगा, पहले मैंने फोटो सेंड किया था तो ट्राई लेंस वाला ऑप्शन आ रहा था, बट वो एज ए नॉर्मल स्नैप ही खुला था। लेकिन अब जो मैंने फोटो सेंड किया है वहाँ पे कोई भी लेंस वाला ऑप्शन नहीं आया है, तो सामने वाले को क्या लगेगा कि आपने एज ए नॉर्मल स्नैप ही स्नैप सेंड किया, ठीक है, सडनली रिसेंटली स्नैप सेंड किया। तो बस आपको इस वीडियो में यही बताना था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना, और आपके स्नैपचैट के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा वहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।